मैंने दो की हैं, पहली जबरदस्ती हुई थी और दूसरी अरेंज हुई थी, लव हुई नहीं है। बाले खैले खूब है। खैले मामले सुना बाला दिया या बाले मन खैले बाला दे बाले मन याद कर दे मन राफ्ती ईरान बाल मन याद कर। इसी तरह के दिलचस्प वीडियो से लुत्फंदोज होने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सादिया अकबर, यू आर वाचिंग न्यूज ऑन। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जुगाड़ी बहुत है लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आई हूँ आपको पाकिस्तानियों का एक ऐसा टैलेंट दिखाने के लिए कि जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और पूरी दुनिया में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि अगर कोई हमारे पाकिस्तान में बीमार हो जाए तो सब डॉक्टर बन जाते हैं, अगर कोई मिस्त्री अच्छा हो तो सब मिस्त्री बन जाते हैं, और अगर कोई टीचर अच्छा हो तो उसे सजेस्ट करने लगे, अगर कोई ड्राइवर अच्छा हो तो उसको बताने लग जाता है कि भाई तुमसे अच्छा ड्राइवर मैं हूँ। इसी के ऊपर बात करेंगे, लोगों से जानूंगे कि ये टैलेंट कहाँ से आता है भाई, कहाँ जब मर्जी जहाँ मर्जी कुछ भी बन सकते हैं। आए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी मैं ठीक, आप बताएं। बड़े जच रहे हैं, सहेली से मिलने। नहीं सहेली कोई आई नहीं, छोड़ दी। ओह सो सैड, कोई सहेली नहीं है? कोई सहेली नहीं है। क्यों नहीं बनाई? बस अच्छा नहीं लगता किसी को। कहते हैं कि वो गाड़ी हो पैसा हो फिर बसती है सहेली, ऐसे नहीं बसती। वैसी बात है, ट्रेंड है आजकल ये सब चीजें। क्यों ऐसा ट्रेंड चला हुआ? देखो दिल की कोई कदर नहीं है, नन्हे मुन्ने बच्चे दिल लेके फिर रहे हैं अकेले, क्या करेंगे? मैं दिल लेके फिर नहीं रहा, खैर मुझे खुद ही नहीं चाहिए कोई। ओह सो सैड। अच्छा ये तो फिर आप खुद नहीं चाहते ना आपकी सहेली ने? सख्त लौंडा है थोड़ा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अरे इतना सख्त मुस्कुरा के, ओ माय गॉड। मुझे ये बताए पाकिस्तानियों में ना बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, और जुगाड़ी है तो रज के ना, ये तो बाहर के मुल्कों में जाकर भी लोगों को कह दिया कि भाई हम सबसे बड़े जुगाड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक अनोखा टैलेंट भी है। अनोखा टैलेंट भी है? अब वो मुझे बताना पड़ेगा कि क्या आप में क्या टैलेंट है। मेरे में तो कोई टैलेंट नहीं है, खैर पाकिस्तानियों में वाकई बहुत टैलेंट है। पाकिस्तानियों में एक ऐसा टैलेंट है कि कोई बीमार हो ना तो उसके साथ डॉक्टर बन जाता है, नहीं है वाली दवाई ले ले। ऐसे ही है, मतलब पाकिस्तानी मल्टी टैलेंटेड है, और सबसे बड़ा जो टैलेंट मैंने पाकिस्तान में देखा है ना वो पठानों में देखा है, लक्कड़ दी रेडी चग ला दे। इसके अलावा पाकिस्तानी में और क्या क्या टैलेंट है? पाकिस्तानियों में टैलेंट ये है, छोड़ने का टैलेंट बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं। क्या आगे छोड़? जैसे हमारे फैसलाबाद रोड पे 6 फैक्ट्री है, एम्पोरियम मॉल हमारा है, फलानी जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, तो लंबी लंबी बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। यार मैंने भी ना प्लॉट ले लेना, बैठिया मैं अपना प्लॉट ले लें, बस ये सोच रहा हूँ बैठ के पैसे कहाँ से आएंगे। और जो सबसे बड़ा बैकअप पे जो छोड़ते हैं वो पाकिस्तानियों की ये होती है कि बड़े भाई दुबई होते हैं। अरे ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमारे फैमिली में से कोई एक चला जाता ना बाहर के मुल्क पाकिस्तानियों में, तो सारा साल कोई काम नहीं करते, उस बेचारे का नाम लेके सबकी शादियाँ हो जाती है, करवा रहा है। ऐसे ही है, अभी देख लें। अब ये क्या वजह है, क्यों कहते हैं बड़े भाई बाहर होते ना कोई काम नहीं करते? बस वेले रहने की आदत है ना पाकिस्तान, मेहनत बहुत कम करते हैं नवाब ने, जमदे नवाब ने। अच्छा अगर कोई अच्छा सिंगर है ना तो उसको कहेंगे नहीं नहीं तुम अच्छा नहीं गा रहे, तुम ये वाली सिंगिंग करो, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे कि लोगों को इतना सजेस्ट करने लग जाते हैं। सिंगर भी है ना, मल्टी टैलेंटेड है, हर टैलेंट मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है हर पाकिस्तानी के अंदर। हुसैन की बीड़ी पे बीड़ी चिलम चलाने। चाचा जी कितनी शादियां की? मैंने दो की हैं। अरे वाह क्या बात है, ये बड़े टैलेंट की बात। हाँ टैलेंट की बात है, पहली तो जबरदस्ती हो गई थी, दूसरी यकीन आपने लव मैरिज की होगी? नहीं तो पहली जबरदस्ती हुई थी और दूसरी अरेंज हुई थी, लव हुई नहीं है। अभी तक अब तीसरी लव मैरिज करने का इरादा है। अब लव मैरिज है, लव तो खत्म हो गया है अब। अब लव क्यों खत्म हो? लव अब उम्र के साथ खत्म हो जाता है, पैसों के साथ खत्म हो जाता है, पैसा हो तो लव ही लव है, पैसा नहीं है तो कोई लव नहीं है। क्या काम करते हैं? मैं तो आजकल होटल पे जॉब करता हूँ। कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो है ना जुगाड़ी बहुत है, ठीक है, और पाकिस्तानियों में एक अनोखा टैलेंट भी है कि अगर कोई बीमार हो तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं, कोई अच्छी ड्राइविंग करता है टीचर बन जाते हैं, तो इस पे क्या कहें? पाकिस्तानी देखे ना कि पूरी दुनिया में मशहूर है, हर काम में मशहूर है, ठीक है, पाकिस्तानी डॉक्टर क्या मोची भी बन जाता है। और हर काम कर लेता है पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जब से बना है ना, जो पहले लोग हैं मर गए हैं, ये जो नई नस्ल आई है 2010 के बाद,
ठीक है, जब से ये नेट वगैरह आया है। पहले वाले कौन से मर गए? वो सादा लोग थे, वो जब नेट वगैरह नहीं था, मोबाइल अटैच मोबाइल नहीं थे, जब से ये अटैच मोबाइल आ गया, इंटरनेट वगैरह आ गया ना, तो हर बंदा जो है ना वो शॉर्टकट मार रहा है और कहता है मैं अमीर हो जाऊं, मैं इसको ये कर दूं वो कर दूं, और मतलब है कि हर बंदा कहता है शॉर्टकट का भी टैलेंट है, शॉर्टकट का भी टैलेंट है, जुगाड़ है बस। आप में क्या टैलेंट है? मैं खाना अच्छा बना लेता हूं। अरे वाह क्या। जो दूसरी शादी की ना, आपने खाने खिला खिला के शादी की है भाई, मैं बहुत अच्छा बढ़िया खाना बना। नहीं ये हकीकत है कि वो पेटू थी जो मेरी बीवी थी, तो जब मैंने उसको बोला था मैं सब कुकिंग कर लेता तो वो जल्दी जल्दी राजी हो गई थी, और तकरीबन ज़्यादा खाना नहीं बनाता था वो लेटी रहती थी, तो इस वजह से वो खुश थी। और हर औरत चाहती है पाकिस्तानी के मेरा खावन मैनू पका के खवावे, मैनू ना कुछ करना पवे। ये क्या वजह है, वो क्यों जाते हैं, वो अपने बंदे को रणवीर बनाना चाहते हैं? मतलब ये माओ के ऊपर है ना सारा, माएं कहती हैं बस अपन जिवें मैं काबू कीता है ना, एंड तू भी काबू करके रखी तेरे प्यो नू, ते तू अपने बंदे नू काबू करके रखना है, ढीला नहीं पै जाना, तो पिछ मतलब घर से। ये आप कहते हैं कि जो आगे बहू आती है वो अपनी माँ से सीख के आती है। हाँ बिल्कुल, देखें बच्ची अपनी माँ से सीखती है, बेटा अपने बाप से सीखता है, कुछ माशरे से सीखते हैं, ठीक है। जब वो जब उसको छोटी सी को पता है कि मेरी माँ मेरे बाप को कैसे बुलाती है, तो वो घर जाके अपने मियाँ को भी वैसे ही बुलाएगी ना। वाइफ भी फिर मल्टी टैलेंटेड हो जाती है। हाँ ये बताएं कि ये जो पाकिस्तानियों में अनोखा टैलेंट है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी के साथ कुछ भी बन जाते हैं, मीन्स के अगर कोई अच्छा आर्ट करता है उसको सजेस्ट करेंगे, अगर कोई अच्छा सूट कहते हैं 15,000 का एक सूट लेके आना, उन्होंने कहेंगे पागल 15,000 का एक ले लेता है, फैसला बाद जल्दी 6 ले लेना। तो ऐसे ही है, जब मेरी पहली शादी हुई है तो ऐसे ही था कि मैंने बहुत इधर उधर हाथ पांव मारे कि अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, ये हो जाए। जब मेरी शादी होगी तो बीवी के 100 लोगों ने नुक्स निकाल दिए, ये तो ऐसी है ये तो ऐसी है, तो मैंने कहा भाई मैं तो सबके पास गया था, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, अब जैसी भी है मैं क्या करूँ, इसको गुजारा तो करना है। मगर ये कि मैंने गुजारा भी नहीं किया, अब उसके साथ मैंने ज्यादती की है, वो भी शादी थी मैंने उसको छोड़ दिया। ये निराला काम करते हैं ना, यानी ना होने वाला काम ये लोग कर लेते हैं। ये जब यार दो मुजरम नहीं मिलते पे फीम लेके जा रहे थी, ये पाउडर लेके जा रहे थे, कहते तू मान के तू ही लेके जा रहे। ये ऐसे ही खरगोश को हाथी बनाते हैं, हाथी को खरगोश भी बना सकते हैं, ये पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तानियों में ना बड़ा टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तानी में एक और भी एक अनोखा टैलेंट है, आपको कुछ आइडिया है? मैं देखो पाकिस्तानियों के टैलेंट के बारे में तो खैर सुन रखा है, लेकिन इतना मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तकरीबन 44 साल से दुबई में हूँ। मतलब इतने सालों से आप दुबई में, वहाँ कोई टैलेंट नजर नहीं आया आपको पाकिस्तान का? टैलेंट सिर्फ फराड में मुझे बहुत नजर आया। और आप यकीन करें मैंने अलेन के सेंट्रल जेल में 7 साल ड्यूटी की है कैदियों के साथ। जब मैं वहाँ था तो 1450 कैदी थे, और उनमें 1410 सिर्फ पाकिस्तानी थे। आप अंदाजा लगा लें कितनी टैलेंट है पाकिस्तानी। अरे वाह क्या बात है। जैसे आप देखें ना, एक अगर कोई मरीज है तो उसके साथ डॉक्टर बन जाता है, कोई सिंगर है सिंगर बन जाता है, टीचर है तो उससे भी बड़े उस्ताद बन जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये यहाँ देखो पाकिस्तान में मैं कहता हूँ ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो ना होने के, यानी ना उम्मीद मत होना। सफेद काला होता है, काला सफेद भी होता है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मतलब इतना टैलेंट है। पैसे होने चाहिए आप चांद पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल चांद को यहाँ भी बुला सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। अरे वाह क्या बात है। और कुछ शेयर करना चाहते? नहीं बस मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। अब आपने किसी भी लैंग्वेज में कहना है पाकिस्तानियों सुधर जाओ। من از پاکستانیا یعنی این التماس میکنم، خواهش میکنم که الان راه راست بیایید و ول کنی این کارای زشت را، ول کنی که خوب نیست برای وطنم، خوب نیست برای خودتونم، خوب نیست. بله مرسی، خیلی ممنون هستم. خیلی خوشحال شدم. جی تو ناظرین، آپ نے لوگوں سے جانا کہ کس کس کی طرح کا جو ہے ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اور کس قدر جگاڑی ہیں، کیونکہ حالات اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے انسان جو ہے نا وہ جگاڑی بن جاتا ہے اور ٹیلنٹ دکھانا پڑتا ہے اپنی ضرورت کے تحت۔ تو ناظرین اسی طرح کے مزیدار پروگرامز کو دیکھنے کے لیے نیوز آن کو سبسکرائب کریں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔
ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।